हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की वीडियो में बताऊंगा सेमेस्टर टू, जी हाँ ध्यान से सुने, सेमेस्टर टू हिस्ट्री जनरल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों को जनवरी में एग्जाम है, शायद 4 या 5 जनवरी का आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में सहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और 100% एग्जाम में वही आएगा। इसके पहले भी आप लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का बताया था, वही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सारा वही क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको करना क्या है, मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आते रहता है, सेमेस्टर 1, 2, 3 हर एक वीडियो आता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताऊँगा सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जनरल का क्वेश्चन नंबर ये जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का लिंक, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां से आप लोगों को सारा PDF वगैरह भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। देखिए एक गुप्त साम्राज्य है कौन, तो गुप्त साम्राज्य पहले के जो चला आता था, पहले के समय में गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ये सब चीज़ें, तो जो गुप्त साम्राज्य था ना उसका पतन बताना है, पतन के कारण क्या था। पतन मीन्स होता है नष्ट होना। तो गुप्त लोगों का जो साम्राज्य था, जो लोग साम्राज्य को चला रहे थे, उनका नष्ट होने का कारण बताना कि क्यों नष्ट हो गया, आखिर कुछ तो गलती रहा होगा उन लोगों का, तभी तो नष्ट हो गया। आखिर कोई भी चीज़ नष्ट होता है तो कोई तो गलती रहता है, तभी तो नष्ट होता है ना, तो उनका कारण बताना है। तो चलिए इसका मैंने आंसर इस प्रकार से लिखा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण इस प्रकार है, ठीक है। पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। अगर आप लोग इस पॉइंट को नहीं लिख पाते हैं तो डायरेक्ट यहां से आप लोग लिख दें, आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिखें और आयोग उत्तराधिकारी जो लिखा हुआ है यहां पर, अगर इस पॉइंट को आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो आयोग उत्तराधिकारी को आप लोग हटा दें और डायरेक्ट यहां से लिखें कि सकंद गुप्त की मृत्यु, ये हमारा सकंद गुप्त है, ठीक है, रकंद गुप्त ना पढ़े, सकंद गुप्त है। तो क्या पढ़ना है आपको कि सकंद गुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी, इससे पहले मैं आप सभी को इतना समझा देना चाहूँगा, अयोग्य उत्तराधिकारी मीन्स क्या होता है कि जो वहाँ के उत्तराधिकारी थे, गुप्त वाले जितने भी सारे गुप्त साम्राज्य के लोग थे, वो लोग अयोग्य थे, मतलब कोई भी योग्य के लायक नहीं थे, अच्छा नहीं थे, ठीक है। तो सकंद गुप्त के मृत्यु के बाद जितने भी लोग आए, कोई भी उसमें इतनी क्षमता व शक्ति था नहीं था, योग्यता नहीं था कि वह अपने पूर्वजों से चले आ रहे सिस्टम को संभाल सके, ऐसा काबिलियत किसी में भी नहीं थी। देखिए नष्ट होने का पहला रीजन ये था कि जैसे ही सकंद गुप्त की मृत्यु हुआ, उसके बाद जितने भी सारे उत्तराधिकारी लोग आए, जितने भी सम्राट के लोग आए, उनमें किसी में भी इतना क्षमता शक्ति नहीं था कि वह अपने पूर्वजों से चले आ रहे सिस्टम को संभाल सके। इसी के वजह से वो लोग नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा ये गुप्त साम्राज्य था उसका नष्ट हो गया। दूसरा रीजन देखते हैं, उत्तराधिकारी का युद्ध, वे लोग अपने आपस में ही क्या कर जाते थे, लड़ाई लड़ जाते थे, जिसके कारण से नष्ट हो गया। गुप्त काल में आने की गुप्त के समय में वहाँ के सम्राट बनने के लिए इन्हीं लोगों के बीच कई बार लड़ाई भी हो रही थी, और उनका कहना था कि हम सम्राट बनेंगे, इनका कहना था ये हम सम्राट बनेंगे, तो इन्हीं लोगों के बीच लड़ाई चलते रहता था, जिसकी वजह से लोग अंदर से कमज़ोर होते गए और हमारा जो गुप्त सम्राट है वह उसका नष्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, आंतरिक विरोध, आपस में ही लोग विरोध करने लगे। गुप्त काल में सम्राटों के बीच अंदर से लड़ाई का विरोध उत्पन्न हो गया, जो कहीं ना कहीं कमजोर बनाया और पतन होने का कारण बन गया। ये पॉइंट मैंने ऊपर भी देखा था, ठीक है। तो गुप्त काल का एक नष्ट होने का एक और बड़ा रीजन क्या था कि वो लोग बीच बीच में, यानी कि अंदर से ही बीच में क्या हो गया, लड़ाई लड़ने लगे, उसके बाद जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, इससे सभी लोग अंदर से टूट गए, कमजोर पड़ गए, और ये हमारा पतन होने का सबसे बड़ा रीजन है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, साम्राज्य की विशालता, ठीक है। इस साम्राज्य की विशालता क्या है कि वहाँ का साम्राज्य बहुत बड़ा विशाल था, बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से चलाने में लोगों को दिक्कत होता था, ठीक है। तो इसका रीजन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का एक और बड़ा कारण है कि साम्राज्य का विशालता होना, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को पहले तो किसी न किसी कारण चलाते आ रहे थे, लेकिन अब इन सम्राटों में दम घुटने लगे। पहले के सम्राट इनको चलाते हुए आ रहे थे इतना बड़ा सम्राट को, लेकिन अब के जो सम्राट थे, जो नए लोग सम्राट थे, उनको चलाने की बस की बात नहीं था, इतना बड़ा साम्राज्य, विशाल मीन्स क्या, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा उन लोगों को चलाने की कैपेसिटी नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। पांचवा, विदेश आक्रमण, यानी कि विदेशों से इन लोगों को लड़ाई होने लगा। विदेश मीन्स क्या,
हमारे देश से जितने भी सारे देश बाहर का देश है वो सब विदेश देश कहलाएंगे, ठीक है। तो बाहर बाहर देशों से इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगा। इनका पतन होने का एक और मुख्य कारण विदेश का लड़ाई है, क्योंकि जब विदेश से लड़ाई होना शुरू हुआ तो इनके बीच साम्राज्य का शक्ति खत्म होने लगा। हालांकि पहला विद्रोह जो था, पहला विद्रोह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इससे दूसरे को लड़ाई का रास्ता मिल गया। तब से लड़ाई ही लड़ाई शुरू हुआ और हो गया, और जो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती है और पतन का कारण भी बनाती है। देखिए क्या हुआ, जब पहली बार लड़ाई हुआ दूसरे देशों से, यानी जब क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का दूसरे देशों से लड़ाई हुआ, तो पहला युद्ध में उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब पहला लड़ाई हुआ तो दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश को भी लगा कि अरे अब लड़ाई तो छिड़ना शुरू हो गया। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें जितने भी देश थे सब इनके साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, और पहला लड़ाई जो था उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लड़ाई लड़ा उसमें इन लोगों को ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो पहला लड़ाई तो बस उन लोगों को बताया कि हाँ अब लड़ाई शुरू हो गया है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जितने भी सारे देश थे वो सारे इसके साथ आए और लड़ाई लड़ा, और जो कि कहीं ना कहीं इनको नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण बना। छठा, नई शक्ति का उदय। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य को नई शक्तियों से भी बहुत बुरा असर देखने को मिला। ये सिंपल है, जो पतन का मुख्य कारण है, नई नई शक्ति बना रहे थे जिसकी वजह से भी क्या हो गया, पतन हो गया। सातवा, उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। देखिए जो जितने भी सारे वहाँ के उत्तराधिकारी थे, जितने भी सारे वहाँ के सम्राट के लोग थे, उन लोगों के बीच में कोई नियम कानून नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा कमजोरी यही था कि गुप्त व्यवस्था में उत्तराधिकारी के नियम सुनिश्चित नहीं किए गए थे। बिना नियम का कुछ भी नहीं चल सकता है, जो पतन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि वहाँ के सिस्टम नहीं था कुछ कि कौन लोगों को क्या करना है, नहीं करना है, क्या नियम है, क्या सिस्टम है, कुछ सिस्टम ही नहीं था, जिसकी वजह से पतन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ नियम और कानून के बिना नहीं चल सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रशासनिक कमजोरियाँ। देखिए इनकी प्रशासनिक कमजोरियाँ होने के कारण भी पतन होने का मुख्य कारण बना जाता है। देखिए जब किसी भी देश के लिए प्रशासन कमजोर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे और बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब प्रशासन ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो इसका मतलब हम लोग अभी जब भी लड़ाई झगड़ा चलता है तो वहाँ पे प्रशासन पहुँचते हैं, है ना, लड़ाइयों को संभालते हैं। लेकिन इनका जो प्रशासनिक था ना, वो हमारा क्या था, कमजोरियाँ था इनका प्रशासनिक, क्या था, प्रशासनिक कमजोरी था, जिसकी वजह से लोग क्या हो चुके थे, बिल्कुल कमज़ोर हो पड़ चुके थे, अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक मीन्स होता पैसा। किसी भी, देखिए अब जब आपके पास पैसा नहीं तो निश्चित तौर पर क्या, नष्ट हो जाएंगे, सबसे बड़ा रीज़न तो पैसा होता है। तो किसी भी सम्राट का पतन होने का मुख्य कारण आर्थिक कारण होता है। यदि आर्थिक व्यवस्था अच्छा ना रहे तो पतन होने का संभावना बढ़ जाता है। 10th नंबर, धार्मिक कारण। देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या पता है, कि जो इनका था ना गुप्त सम्राट, वो एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल गए थे, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता, ठीक है। तो इनका पतन का एक और बड़ा कारण था कि गुप्त साम्राज्य का एक धर्म से दूसरे धर्म में शामिल होना, क्योंकि जब एक धर्म से दूसरे धर्म में शामिल हो रहे थे ना, तो इससे पतन का कारण और भी बढ़ जाता था, ठीक है। उसके बाद 11वां नंबर है कि उनका दंड नीति। एक और बड़ा रीज़न है कि उनका दंड नीति बहुत ख़राब था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो था ना, वहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते थे ना, उसको बहुत ज़्यादा कम सज़ा दिया जाता था, क्योंकि हमारा नियम होता है कि जो जैसा गलती करेगा उसको सज़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बड़े से बड़े अपराधी को भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा, बहुत साधारण सा, मतलब सज़ा दिया जाता था। अगर कोई बहुत बड़ा भी दंड मतलब अपराध किया तो उसे छोटा सा सज़ा दिया जाता था, ठीक है। तो इनका एक ये भी बहुत बड़ा कमजोरी था जिसकी वजह से नष्ट हो गए। निष्कर्ष लिखना आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आता, उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने से इस बात की पुष्टि होती है, यानी कि ऊपर लिखी गई बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि जो गुप्त साम्राज्य का पतन है उनके कमियाँ के कारण, उनके कमजोरियाँ के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कमजोरी था, कमी था, इसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।